ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर वन देखिए, बस जूम कर दीजिए। जूम करना होगा, दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई1 देखिए, इसमें देखिए कंसंट्रेशन नहीं दिया है, इसमें प्रेशर दे दिया है, इसमें प्रेशर दिया है, बोला है ए गिव्स टू बी प्लस सी, ऐसा कुछ दिया है, और बोला है रिएक्शन इज गेसियस। देखो रिएक्शन इज गेसियस मींस ए भी गेसियस है, बी इज ऑल्सो गैसियस एंड सी इज ऑल्सो गैसियस, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, अब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर तो पहले ही क्लियर कर दिया, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर क्लियर कर दिया है, ठीक है, ठीक है। P एट टाइम T इज इक्वल टू 10 इज 176 मिलीमीटर एंड P एट टाइम T इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 270 मिलीमीटर। चलिए देखिए, अब ये बेटा आपका रिएक्शन का इंफॉर्मेशन है, दिस इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन। बोला है ए गोज टू टू बी एंड सी, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, प्रेशर व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 10 मिनट बोला था तो 176 मिलीमीटर है। बोलता है जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, बेटा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब कंप्लीट होता है, तो बेटा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। फॉर अ फर्स्ट रिएक्शन टू बी कंप्लीटली कंप्लीटेड इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम, इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम बेटा इसलिए लगता है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है ना वो हर हाफ लाइफ, हाफ मतलब हाफ लाइफ के बाद आधा होता है, तो आप समझिए किसी चीज का बेटा अमाउंट आधा हो रहा है तो बेटा वो जीरो पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम लेगा, जीरो पहुंचने में वो इनफाइनाइट टाइम लेगा। ठीक है, तो जब भी कंप्लीट बोल दे फर्स्ट ऑर्डर तो मतलब इनफाइनाइट टाइम है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है प्रेशर ऑफ ए व्हेन टी इज इक्वल टू 10 मिनट्स। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझिए बात को। इसमें बेटा हम लोग को ध्यान रखना है कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ ए। अब ये मैं कैसे बोल पाया, बेटा देखो हम लोग मानते हैं प्रेशर ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए इंटू आर इंटू टी, तो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए बाय वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी, ये क्या बन गया बेटा, ये तो कंसंट्रेशन है ना बेटा, तो प्रेशर ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ए इंटू आर इंटू टी, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो आपको ध्यान रखना है बेटा
जो फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग लिखते थे एल एन ए इनिशियल बाय ए फाइनल इज इक्वल टू के इंटू टी, आई कैन राइट एल एन प्रेशर ऑफ ए इनिशियली बाय प्रेशर ऑफ ए फाइनली इज इक्वल टू के टी, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये समझ में आया बेटा? ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। आप ए को लिख सकते थे यहाँ पे, तो ये आएगा। अब ध्यान रखना है, ये जो आपको 176 मिलीमीटर दिया है ना बेटा, दिस इज नॉट प्रेशर ऑफ ए, दिस इज द टोटल प्रेशर, मीन्स दिस इज प्रेशर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। आपको सिर्फ ए का प्रेशर और एक फाइनल का प्रेशर लिखना है। तो आपको ये क्वेश्चन अब सिंपली क्या करना है, आपको ए का प्रेशर पता करना है एट टाइम टी इज इक्वल टू 10 एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। समझ में आ रहा है? अब ये बेसिकली सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इनिशियल, फिर लिखेंगे चेंज, फिर लिखेंगे फाइनल, ठीक है। अब बात को समझिए, अपने पास ए इनिशियली कितना है मालूम नहीं है, बट अपने को ये मालूम है बी का प्रेशर जीरो होगा और सी का प्रेशर जीरो होगा। क्वेश्चन में बेटा बोल रखा था वी आर स्टार्टिंग विथ प्योर अमाउंट ऑफ ए, क्वेश्चन में बोला था वी आर स्टार्टिंग विथ प्योर अमाउंट ऑफ ए, देखिए स्टार्टिंग विथ प्योर ए लिखा हुआ है ना, प्योर ए से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये सब जीरो होगा, बट ये बेटा जीरो नहीं होगा, इसको हम लोग पी वन मान लेते हैं, इसको हम लोग पी वन मान लिए। नाउ मैं मानता हूं कि रिएक्शन जो है 100% कंप्लीट हो गया। अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ माइनस कितना लिखना होगा, कोई बताएगा? P1। परफेक्ट बेटा, P1। यहाँ क्या लिखना होगा बेटा? 2P1। परफेक्ट, 2P1। बहुत बढ़िया, यहाँ बेटा P1। परफेक्ट, तो ये आ गया 0, ये आ गया 2P1 और ये आ गया P1। नाउ व्हाट इज द टोटल प्रेशर नाउ? 3P1। दिस 3P1 इज इक्वल टू व्हाट? 3P1 इज इक्वल टू 176 और 270? 270। परफेक्ट बेटा, क्यों? कंप्लीट बोला है ना, तो दिस इज 3P1। तो P1 कितना आया बेटा यहाँ पर? 90, यही है ना, 3P1 270, तो P1 आ गया 90। क्लियर है ये? अब देखो इस रिएक्शन को दोबारा हम लोग लिखेंगे, इस क्वेश्चन में इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया प्रेशर से भी बना लेंगे हम लोग। तो ए गिव्स 2B प्लस 3C, इनिशियल चेंज फाइनल। बेटा इनिशियल अब आप लिखेंगे 90 मिलीमीटर, 0 0। अब चेंज बेटा मैं ये मान के चलूंगा कि टाइम अपना 10 मिनट हुआ है, तो 10 मिनट में तो पूरा खत्म नहीं होगा ना, 10 मिनट में माइनस एक्स मिलीमीटर खत्म हुआ, तो यहाँ आ गया प्लस 2x और यहाँ आ गया प्लस 6। तो आफ्टर 10 मिनट ये कितना प्रेशर देगा? 90 माइनस एक्स मिलीमीटर, ये देगा 2x मिलीमीटर और ये देगा x मिलीमीटर। तो नाउ व्हाट इज द पी टोटल? नाउ पी टोटल विल बी 90 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x, तो ये आया 90 प्लस 2x। नाउ व्हाट इज दिस 90 प्लस 2x इक्वल्स टू? 90 प्लस 2x इक्वल्स टू बेटा, हाँ, 176 ना बेटा, 10 मिनट की बात कर रहे हैं ना, तो x आएगा 86 आ रहा ना,
43 मिलीमीटर। सो नाउ ये कितना रह गया बेटा, 90 माइनस 43, दिस विल बी इक्वल टू 47 मिलीमीटर। समझ में आया बेटा सबको? हाँ सर। ठीक है, देखिए आंसर भी दिया हुआ है, 47 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए कॉपी तो किए नहीं होंगे अभी तक कि कर लिए? नहीं बाकी। ठीक है, जल्दी से कीजिए। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, क्या है कि क्वेश्चन अलग है और मैं सॉल्यूशन अलग दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अब जा रहा हूँ क्वेश्चन को मैं यहाँ प्रिंट करवा ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन प्रिंटेड रहेगा, यहाँ सॉल्व करेंगे, वो जल्दी होगा और आसानी से होगा, इसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिखता नहीं एक बार में। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए, मैं प्रिंट करा के आया, 2 मिनट लगेंगे बेटा, इसको कॉपी कीजिए।
हो गया सबका। चलिए क्वेश्चन दिख रहा था बेटा, माइक तो ऑन है, ठीक है इसको चलिए कीजिए। ये समझा दिए थे बेटा, अब इसको थोड़ा ट्राई कीजिए आप लोग। ये है ठीक है, ये करना है, ये फ्रीज वाला सिंबल चला आता है। देखिए बेटा होपफुली यहाँ तक आपका हो गया होगा। P1 बेटा 75 मिलीमीटर आया होगा। व्हाट इज दिस P1? दिस इज इनिशियल प्रेशर। नेक्स्ट अब हम लोग को सर फाइनल प्रेशर, सर फाइनल प्रेशर है ना ये। P1 फाइनल कहाँ है बेटा? P1 क्या है बेटा? इनिशियल प्रेशर बेटा, ये फाइनल आंसर नहीं है। मैं आपको पार्ट वन बता रहा हूँ सॉल्यूशन का। सर सॉलिड का प्रेशर होगा क्या बेटा? सॉलिड का प्रेशर होगा। आ आ आ आ ये तो मैं ध्यान ही नहीं दिया बेटा, सॉलिड का प्रेशर कहाँ से होगा? नहीं 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 ये पूरा गलत हो जाएगा। तो वही तो सर बन ही नहीं रहा। नहीं 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ध्यान ही नहीं दिया। चलिए 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 सोचिए फिर, बनेगा बेटा क्यों नहीं बनेगा? नहीं सर बन गया, लेकिन इनिशियल प्रेशर क्या लेंगे? नहीं 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 इनिशियल प्रेशर का रिक्वायरमेंट ही नहीं है बेटा, ये तो मैंने सॉलिड ध्यान ही नहीं दिया था, मैंने गैस देख रखा था। ठीक है ये अब ये हो जाएगा। ठीक है देखिए आपको रेट कांस्टेंट बताना है और आपको वो बताना है प्रेशर आफ्टर 40 मिनट। प्रेशर आफ्टर 40 मिनट कोई बड़ा काम नहीं है बेटा, वो हो जाएगा। ठीक है ठीक है, चलिए इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। ए सॉलिड, टू बी गैस। सर फ्रीज है। हाँ बेटा वो ठीक है, फ्रीज हटा दे रहा हूँ। ठीक है हम्म।
ठीक है, चलिए देखिए बेटा, अब यहाँ पे हम लोग ए का कंसंट्रेशन यूज करना पड़ेगा या ए का मोल यूज करना पड़ेगा, ए का प्रेशर नहीं यूज कर सकते। तो लेट्स से इनिशियल चेंज एंड फाइनल। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बेटा ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाला यूज करना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब समझिए, मैं यहाँ पे एक काम ये कर सकता हूँ, मैं इसको ए मोल मान लेता हूँ, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। बेटा चेंज में माइनस ए मानेंगे क्योंकि 100% कंप्लीट है, ये 2a हो जाएगा और ये प्लस ए हो जाएगा, ये जीरो, ये 2a और ये a। देखिए अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रेशर ड्यू टू 3 moles, प्रेशर ड्यू टू 3a इज इक्वल टू 225 millimeter ऑफ Hg। बेटा मींस 3a मोल प्रोड्यूसेस प्रेशर, यहाँ इक्वल टू आएगा, ठीक है, ये इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, अब समझिए बात को, 3a ऑफ प्रोडक्ट विल प्रोड्यूस 225 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर। और बेटा ये मैं बोल सकता हूँ, व्हेन a मोल इज कंप्लीटली कंज्यूम, व्हेन a मोल इज कंप्लीटली कंज्यूम, नेट प्रेशर प्रोड्यूसेस 225 मिलीमीटर ऑफ Hg। When a mole is completely consumed, so I can say, इसका मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है, फाइनल वाला इनिशियल से। ठीक है, अभी समझिए, so a moles is directly proportional to, sorry, समझिए, a मोल कंज्यूम प्रोड्यूसेस, इसमें एक डेरिवेशन भी साथ साथ कर ले रहे हैं, ध्यान से देखिए, a मोल कंज्यूम प्रोड्यूसेस 225 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसमें किसी को डाउट है बेटा? ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा बात को, जीरो मोल कंजम्पशन व्हेन जीरो मोल कंज्यूम्ड प्रेशर विल बी हाउ मच बेटा, व्हेन जीरो मोल इज कंज्यूम हाउ मच विल बी द प्रेशर? जीरो। परफेक्ट आंसर, 0 millimeter। सो आई विल से A माइनस, ध्यान से समझिएगा, A माइनस X इज इक्वल टू, अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस करना है बेटा अमाउंट ऑफ A प्रेजेंट में या अमाउंट ऑफ A कंज्यूम में। So I can say A initial is equivalent to 0 millimeter when and एक मिनट दीजिए, इसको हम लोग को उस तरीके से एक्सप्रेस करना है, चलिए ठीक, हाँ चलिए ठीक है, आगे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको इसका डिराइव करा देंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए, तो मैं क्या करूँगा, जब प्रेशर में 225 मिलीमीटर ऑफ Hg है, उस समय ए 100% कंज्यूम है, और वेन जीरो मोल इज कंज्यूम प्रेशर विल बी 0 millimeter ऑफ Hg। सो माई कंजम्पशन of A is directly proportional to
प्रेशर, इसमें किसी को डाउट बेटा? देख लीजिए इसे मैंने, ठीक है नेक्स्ट देखेंगे बेटा। अब मुझे करना क्या है, ln a इनिशियल बाय a फाइनल इज इक्वल टू kt आता है, ये होता है बेटा ln a इनिशियल बाय a फाइनल इज इक्वल टू kt। नाउ हम लोग को सिंपली ये काम करना है इस बार, a इनिशियल और a फाइनल को somehow चेंज इन प्रेशर में एक्सप्रेस करना है, चेंज इन प्रेशर से एक्सप्रेस कर देना है। होगा आप लोगों से? चलिए देख लेते हैं। आई विल राइट दिस ln ऑफ बेटा ए फाइनल और ए इनिशियल के लिए समहाउ प्रेशर लाने का कोई टर्म बताइए, समहाउ ए फाइनल और ए इनिशियल का प्रेशर लाने का कोई टर्म बताइए बेटा। देख लीजिए बेटा, दिस विल बी रिटन एज पी इनफिनिटी माइनस पी इनिशियल। अब ये क्यों लिखे है कोई बताएगा बेटा? देखो बेटा पी इनफिनिटी क्या है, पी इनफिनिटी इज टोटल प्रेशर व्हेन रिएक्शन इज 100% कंप्लीट एंड पी इनिशियल इज इनिशियल प्रेशर। तो बेटा P infinity माइनस P initial कैन बी रिटन एज A initial। P infinity माइनस P initial कैन बी रिटन एज A initial बेटा, ये समझ में आ रहा आप लोगों को? नहीं आ रहा है। नहीं सर। बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ए है तो ए क्या है बेटा, एक प्रोपोर्शनल टू 225/3 नहीं है बेटा? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक, अब देखिए तो ये 3 को हटा दीजिए ना, इसको ए को लिख सकते हैं के इंटू 225। ना व्हाट इज 225? 225 इज प्रेशर एट इन्फिनिटी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 हो या कुछ भी फैक्टर हो बेटा, यहाँ पे क्या होगा 3a होगा, 4a होगा, 5a होगा, ये समझिए फाइनल प्रेशर आफ्टर इनफाइनाइट टाइम विल बी समथिंग, मतलब या तो xna इज इक्वल टू 225 होना है, फाइनल टोटल प्रेशर विल बी सम फैक्टर ऑफ a, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ बेटा, समझ गए सर। समझ गए तो बाकी को बेटा? हाँ सर। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए। अब तो मेरा एक निकल गया, अब मुझे एटी निकालना है बेटा, एटी का प्रोपोर्शनलिटी मुझे प्रेशर से लेके आना है। इनिशियल का तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी पी इनफिनिटी माइनस पी इनिशियल से ले आया, अब AT का मैं प्रोपोर्शनलिटी कहाँ से लाऊंगा? तो देखो A है, गिव्स टू B है, प्लस C है, ये सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस है। अब बेटा ये मेरा A है, ये जीरो है, जीरो है। अब मैं एनी टाइम T की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी भी टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनी टाइम T की बात कर रहा हूँ। तो एनी टाइम T इसको माइनस एक्स मान ले, इसको मैं 2x मान लेता हूँ और इसको मैं x मान लेता हूँ, यहाँ हो जाएगा a माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा x। अब ध्यान से समझिए बेटा, मैंने a पहले से पता कर रखा है, a मेरा अब निकाल चुके हैं कि a इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू, a इज प्रोपोर्शनल टू p इन्फिनिटी माइनस p इनिशियल, ये पता कर रखे हैं तो अभी किए थे बेटा p इन्फिनिटी माइनस p इनिशियल। अब मुझे सिर्फ यहाँ से x निकालना है, मैं अगर यहाँ से x निकाल लूंगा तो फिर मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, तो प्रेशर एट टाइम t विल बी इक्वल टू a माइनस x, सॉरी
विल बी प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स, नहीं क्या काउंट होगा सॉरी बेटा, टू एक्स प्लस एक्स होगा। इसमें किसी को डाउट? ये बेटा प्रेशर नहीं दे रहा ना बेटा, ये तो सॉलिड है, ये क्या है गैस है, और ये भी क्या है गैस है। तो प्रेशर एट टाइम टी विल बी प्रोपोर्शनल टू टू एक्स प्लस एक्स, तो एक्स थ्री एक्स आया एंड दिस विल बी पी टी। सो आई कैन अगेन राइट माई प्रेशर एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। हाँ या ना? हाँ सर। प्रोपोर्शनलिटी बेटा कर रही है, हम थ्री को हटा सकते ठीक है। तो नाउ आई कैन सिंपली राइट माई ए माइनस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू पी इंफिनिटी माइनस पी एट टाइम टी। क्लियर है बेटा ये? अब आप कर सकते बेटा इसको, ln p इन्फिनिटी माइनस p इनिशियल, दिस इज टोटल चेंज इन प्रेशर, दिस इज टोटल चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय p इन्फिनिटी माइनस p टाइम इज इक्वल टू k इंटू टी आप लगा सकते हैं ठीक है। तो इससे हम लोगों को बेटा वो फर्स्ट इंटीग्रेट फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हो सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग को सिर्फ पीटी पता करना है। तो अपना जो क्वेश्चन था वो था ए से टू बी प्लस सी, उसके बाद बोला है आफ्टर 20 वेरी लॉन्ग मिनट टाइम द प्रेशर इज 150 मिलीमीटर एंड 225 मिली। अच्छा इसके बाद बेटा आपको ठीक है, तो बेटा t इज इक्वल टू 20 मिनट में बता रखा है, t टोटल है आपका 150 मिलीमीटर ऑफ एच जी। तो ये मेरा आपका इनिशियल a था, ये जीरो था, ये जीरो था, ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, और ये प्लस एक्स सॉरी टू एक्स है। दिस इज a माइनस एक्स, दिस इज टू एक्स, दिस इज थ्री ओनली एक्स ठीक है। अब बेटा अगर मुझे x पता करना है तो वी नो 3x इज इक्वल टू कितना बेटा 150, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 50 मिलीमीटर ऑफ hg आएगा। अब ट्राई कर सकते बेटा, बेटा बना आपसे थोड़ा ट्राई कीजिए बेटा, इसको आगे ऐसे ही होगा बेटा, नहीं होगा तो बताइए, फिर पूरा हम डिराइव करा देंगे शुरू से एकदम।
नहीं बना बेटा आप लोग से किसी से। चलिए देखिए, पहले डेरिवेशन कर लेंगे फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए यहाँ, लेट से मेरे पास ए है दैट गिव्स बी। इस बार मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ गैस लेके चलूंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरफ ए गैस है और इस तरफ आप मान लीजिए बी है N1 और सी है N2। ठीक है, अब देखिए मैं एक जनरल वाला एक लेके करता हूँ। नॉर्मली बेटा लेट से मुझे प्रेशर से नहीं करना है, सॉरी मोल से नहीं करना है, मुझे प्रेशर से करना है। मैं यहाँ पे ए मोल लूँगा। यहाँ पे बेटा ध्यान रखिएगा कि मैंने जीरो लिया, जीरो लिया मीन्स इनिशियली बेटा यहाँ पे ये दोनों सब जीरो थे, तो दिस इज इनिशियल, दिस इज चेंज। नौ बेटा अब मैं मान लेता हूँ दिस इज 100% कंज्यूम, तो ये ए हो जाएगा, ये N1 ए हो जाएगा और ये N2 ए हो जाएगा। दिस विल बी जीरो, दिस विल बी N1 ए एंड दिस विल बी N2 ए। ठीक है, नाउ आई कैन से टोटल मोल्स व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट, टोटल मोल्स व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट इज इक्वल टू N1 ए प्लस N2 ए। आई कैन सिंपली से N1 ए प्लस N2 ए एंड P total at infinity, these two will be बेटा directly proportional। इसमें बेटा किसी को doubt है? अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डाउट है तो बेटा मैं काम करता हूँ N1 A प्लस N2 A इंटू R इंटू T लिख देता हूँ। दिस इज इक्वल टू P टोटल एट इन्फिनिटी इंटू वॉल्यूम। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा बेटा। सो नाउ आई कैन राइट A इज इक्वल टू P टोटल एट इन्फिनिटी इंटू वॉल्यूम बाय N1 प्लस N2 R इंटू टी। इसमें बेटा किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अपने को P इन्फिनिटी A मिल गया है, A अपने को मालूम है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोगों को बेटा एक बार और इक्वेशन लिख के X निकालना है। तो N1 B प्लस N2 C। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बेटा फिर से ए लेंगे, जीरो लेंगे, जीरो लेंगे, इस बार माइनस एक्स लिखेंगे। यहाँ आएगा बेटा N1X और यहाँ आएगा N2X। यहाँ हो गया आपका ए माइनस एक्स, यहाँ N1X और यहाँ N2X। ध्यान रखिएगा बेटा यहाँ पर इस बार मैंने गैसियस ले रखा है, यहाँ पर इस बार मैंने गैसियस ले रखा है, तो ये वाला बेटा अब काउंट होगा प्रेशर में। तो टोटल गैसियस मोल्स, टोटल गैसियस मोल ए माइनस एक्स प्लस N1X प्लस N2X, दिस विल बी ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, इंटू RT बाई V विल बी इक्वल टू प्रेशर एट टाइम T। PV इज इक्वल टू सिंपल NRT हम लोग यूज कर लिए। ठीक है बेटा, अब देखिए जरा ध्यान से, ए को मैं किसी चीज से रिप्लेस कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो ए बेटा मेरा ये पूरा हो जाएगा, समझिए बात को, ए मेरा ये पूरा हो जाएगा, ए को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं। तो अब मुझे ये पूरा इसमें वापस से लिखना है, दिस विल बी P at infinity into V by N1 plus N2 RT और यहाँ हो जाएगा प्लस N1 plus N2 minus 1X। Into R into T by V is equal to pressure at time T। ठीक है, अब मेरा ये RT/V, ये RT/V कैंसल होगा, मेरा आएगा P एट इन्फिनिटी बाय N1 प्लस N2 प्लस
एन वन प्लस एन टू माइनस वन आर टी बाई वी इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रेशर एट टाइम टी। ठीक है, ये वाला सही खोले है ना, ए माइनस एक्स प्लस एन वन टू, दिस इज प्रेशर, होपफुली ये सही खुला है। हाँ तो बेटा आपका आया आर टी बाय वी एक्स इज इक्वल टू पी टी माइनस पी इन्फिनिटी बाय माइनस पी इन्फिनिटी बाय एन वन प्लस एन टू। एन वन प्लस एन टू माइनस वन, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा, अब आपको ये ध्यान रखना है बेटा, एन वन प्लस एन टू पी टी माइनस पी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू इंटू एन वन प्लस एन टू माइनस वन, ये बेटा तब है जब अपने पास गैस है, जब अपने पास ए इनिशियली गैस है। दिस विल बी बेटा आर टी बाय वी इंटू एक्स, तो यहाँ से बेटा हम लोग को एक्स मिल रहा है। अब मुझे वापस से ए माइनस एक्स चाहिए, तो हम लोग को चाहिए ए माइनस या ए इनिशियल माइनस एक्स। तो ए माइनस एक्स बेटा अभी निकाले थे, ए अभी निकाले हैं हम लोग, ए अभी निकाले थे बेटा, ये वाला अपना ए था। ठीक है, ये वाला जो अपना a है बेटा, तो यहां से इसको लिख के हम लोग x माइनस करने वाले हैं। तो a है आपका p इन्फिनिटी v n1 प्लस n2, p इन्फिनिटी v n1 प्लस n2 rt। माइनस एक्स, एक्स हो जाएगा बेटा एन वन प्लस एन टू पी टी माइनस पी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू, एन वन प्लस एन टू माइनस वन इंटू वी बाय आर टी। बेटा हम लोगों ने इसको खाली कॉम्प्लिकेट इसलिए कर लिया है थोड़ा कि हम लोगों ने यहाँ पर एन वन बी और एन टू सी मान लिया। अगर मैं एन टू को जीरो मान लूंगा तो बड़ा सिंपली जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने जनरल ले लिया था, तो जनरल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है कैलकुलेशन, बट बेटा ये आपका फाइनल ए माइनस एक्स आ गया है। अब इसी को आपको सिंपलीफाई करना है, यहीं से आपका आंसर आएगा। क्लियर है, अब इसको सिंपलीफाई कीजिए, ये पूरा उठकर यहाँ आएगा, आएगा एन वन प्लस एन टू माइनस वन, एन वन प्लस एन टू माइनस वन। आपको बेटा सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखना है, डेरिवेशन में करा दिया हूँ बट इसका रिजल्ट याद रखिएगा, वही काफी है आपके लिए। ये बेटा आपका प्लस पी इन्फिनिटी होने वाला है, एन वन प्लस एन टू, एन वन प्लस एन टू माइनस वन इंटू वी बाय आर टी। अब बेटा देखिए सिंप्लीफाई हो गया है, ये वाला पी इन्फिनिटी अंदर आएगा तो ये वाला कैंसल हो जाएगा। देख लीजिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए बेटा, तो ये आने वाला है आपका, इतना मेहनत करने के बाद एक सिंपल सा आंसर आएगा, एन वन प्लस एन टू पी इन्फिनिटी माइनस एन वन प्लस एन टू पी टी डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू माइनस वन
इंटू वी बाय आर टी, इतना मेहनत करा के ये एन वन प्लस एन टू कैंसल हो गया, तो ऊपर हो गया पी इन्फिनिटी माइनस पी टी, तो दिस कम्स आउट टू बी पी इन्फिनिटी माइनस पी टी डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू माइनस वन इंटू वी बाय आर टी। बेटा ये है बेटा आपका a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल। तो देखो उतना मेहनत करने के बाद मैंने आपको क्या बताया, p इन्फिनिटी माइनस pt निकाल के दिया था, वही चीज बेटा दोबारा से आ रहा है। ठीक है, जितनों को समझ में आया बेटा कैसे किए, तो मूल कॉन्सेप्ट और आइडियल गैस यूज किए है, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं हुआ है। जितनों को फॉलो किए है तो बेटा अच्छी बात है, फॉलो नहीं किए तो बेटा जो रिजल्ट बता रहे वो आपको ध्यान रखना है। अगर वो ध्यान नहीं रखिएगा बेटा तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कम से कम रिजल्ट को ध्यान में रख लीजिए तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आप ट्राई कीजिएगा बेटा, इतना कराने के बाद तो ट्राई कर लीजिए। देखिए मैंने ये दो रिजल्ट तो दे ही दिया बेटा, देखिए मैं एक फिर से बता दे रहा हूँ फाइनल जो रिजल्ट अपना क्या क्या आया है। फाइनल रिजल्ट एक ये वाला आया है और एक ये वाला आया है, इतना से तो हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए लिखा दे रहे हैं, ए इज इक्वल टू पी एट इन्फिनिटी इंटू वी बाय एन वन प्लस एन टू इंटू आर टी। a माइनस एक्स इज इक्वल टू पी इन्फिनिटी माइनस पी टी बाय एन वन प्लस एन टू माइनस वन इंटू वी बाय आर टी। ये दो रिजल्ट तो बेटा ध्यान ही रखिए बेटा। अब देखिए अगर मैं एन टू को जीरो मान लूंगा, मतलब हम लोग ये वाला इसके लिए ट्रू है बेटा, a गिव्स एन वन बी प्लस एन टू सी, ये इसके लिए एप्लीकेबल है। अब इसके लिए क्या एप्लीकेबल होगा, ए गैस गिव्स एन मोल ऑफ बी गैस। इसमें बेटा आपको सिंपली ध्यान रखना है कि एन टू को आपको जीरो कर देना है, अगर आप एन टू को जीरो कर देंगे तो भी आपका बन जाएगा। तो n2 को अगर जीरो कर दीजिएगा तो आ जाएगा a इज इक्वल टू p इन्फिनिटी बाय n n1 मतलब n, ठीक है, इंटू वी बाय आर टी, और a माइनस एक्स हो जाएगा p इन्फिनिटी माइनस पी टी बाय n1 बाय n माइनस वन इंटू वी बाय आर टी। बट आप देखो a बाय ए माइनस एक्स करोगे तो क्या होगा, v बाय आर टी कैंसल होगा ना, a बाय ए माइनस एक्स करेंगे तो ये कैंसल हो जाना चाहिए। क्लियर है बेटा ये, अब आप ट्राई कीजिए, अब सिंपली बन जाना चाहिए बेटा। यहाँ पे बेटा कॉपी करने समय एक टर्म मिस हुआ होगा क्योंकि ये डायमेंशनली एक्यूरेट नहीं आया। आप लोग के ऊपर से पार हो रहा है ये वाला,
चलिए देख लीजिए, सॉल्व कर दे रहे हैं, उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ये सॉलिड है, टू बी गैसियस है और सी गैसियस है। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे डिराइव किए थे। ए दिस इज जीरो, दिस इज जीरो माइनस ए, दिस इज प्लस टू ए एंड दिस इज ऑल्सो ए। दिस विल बी जीरो मोल्स, दिस विल बी टू ए एंड दिस विल बी थ्री ए, सॉरी दिस विल बी सिंपली ए। सो एन टोटल इज इक्वल टू थ्री ए एंड वी नो दिस विल बी इक्वल टू पी वी बाय आर टी। सो थ्री ए इज इक्वल टू पी इन्फिनिटी इंटू वॉल्यूम बाय आर टी। तो ए इज इक्वल टू पी इन्फिनिटी इंटू वी बाय थ्री आर टी। इसमें बेटा डाउट नहीं आना चाहिए। फिर ए गिव्स टू बी प्लस सी, ये भी गैस है और ये भी फिर से गैस है। नाउ ए का वैल्यू मालूम है, मुझे एक्स निकालना है। ए इज ये जीरो जीरो माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस टू एक्स एंड दिस इज प्लस एक्स। ए माइनस एक्स टू एक्स एंड एक्स थ्री एक्स। ध्यान रखिएगा ए माइनस एक्स इस बार ऐड नहीं होगा क्योंकि ए सॉलिड है। थ्री एक्स इज इक्वल टू टी एट टाइम टी कितना है बेटा 20 मिनट, टी 20 इंटू वी बाय आर इंटू टी। तो एक्स इज इक्वल टू टी 20 वी बाय थ्री आर टी, ये आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है? अब हम लोग को बेटा अगर पूछ लिया जाए कि के निकालना है तो हम लोग लिखेंगे ln a initial by a final is equal to k into time taken। a initial बेटा p infinity by 3rt है। a final के लिए बेटा मुझे a minus x करना होगा। तो a final is equal to a minus x which is equal to p infinity v by 3rt minus this p infinity v by 3RT माइनस P20 V by 3RT। तो 3RT 3RT कॉमन आएगा बेटा, 3RT by P infinity माइनस P20 और ये V कॉमन। तो बेटा यहाँ से मैंने A माइनस X निकाला और यहाँ से मेरा A पहले से मालूम था। अब मैं K निकाल सकता हूँ। ln A initial by A final is equal to KT। तो ln a इनिशियल है बेटा p इन्फिनिटी v by 3rt ln डिवाइडेड बाय a माइनस x p इन्फिनिटी माइनस p 20 इंटू v by 3rt। देखो बेटा इतना मेहनत करने के बाद से फिर से वही आया जो मैंने पहले लाइन में आपको लिख के दिया था, दिस इज इक्वल टू के टी। तो एल एन पी इन्फिनिटी बाय पी इन्फिनिटी माइनस पी 20 इज इक्वल टू के टी। अब के हम लोग को मालूम नहीं है, के निकालना है। पी इन्फिनिटी मालूम है, पी इन्फिनिटी बेटा 225 था, 225 बाय 225 माइनस 150। This is equal to k into 20 minutes। तो ये आ जाएगा 75 ना, ये 75 आना चाहिए। हाँ, तो ln 3 is equal to k into 20 implies that k is equal to ln 3 by 20 minute inverse। तो ये बेटा आना चाहिए 0.05 ln 3 minute inverse। ठीक है, तो बेटा आपका 0.05 ln 3 minute inverse आ रहा है, ये कंफर्म हो गया है। या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, दोनों में से एक आपका आंसर आना चाहिए। अब आपको क्या निकालना है? प्रेशर एट आफ्टर 40 minutes, प्रेशर आफ्टर 40 minutes। बेटा एक कुछ ट्राई कीजिए, किसी का बना है बेटा? रोनित बेटा आप बता रहे थे कि आपका बन गया है।
नहीं सर बना रहे, आप बोले थे बन गया था, नहीं सर वो डाउट था उसमें हो गया बना। बेटा देखिए मोल कॉन्सेप्ट से होता है ठीक है, नॉर्मली क्या होता है मैं आपको फॉर्मूला तो बता रहा हूँ, मैं एक और ट्रिक भी बताऊंगा कि हमेशा याद कैसे रहेगा, बट अल्टीमेटली बेटा यही चीज मैंने आपको डिराइव करके दिखाया, डेरिवेशन बेटा वही है कि आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए, बट याद रखना होगा बेटा आपको फॉर्मूला, जैसे ए इनिशियल बाय ए फाइनल याद रखते है, कम से कम आप ये भी ध्यान रखिए। अब बेटा चलिए इतना तो हो गया कि के हम लोगों ने निकाल लिया, कम से कम प्रेशर आफ्टर 40 मिनट्स निकालिए बेटा, सोचिए कैसे कीजिएगा प्रेशर आफ्टर 40 मिनट्स। आफ्टर 40 मिनट्स बेटा ऐसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे पी इंफिनिटी बाई पी इंफिनिटी माइनस पी एट टाइम टी इज इक्वल टू के इंटू टाइम। अब मुझे प्रेशर निकालना है 40 मिनट्स पे, तो मैं यहाँ 40 मिनट प्लेस करूंगा, यहाँ पे के प्लेस करूंगा, यहाँ मेरा को पता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या, यहाँ से बेटा मेरा 40 मिनट का प्रेशर निकलेगा, ये वाला बेटा प्रेशर एट एनी टाइम टी है, ये वाला प्रेशर एट एनी टाइम टी है, तो इसमें आप यहाँ टी को 40 प्लेस कर दीजिए, देखिए बाकी आंसर आपका आ जाएगा। सर 200 mm आ रहा, कितना बेटा 200 mm, ठीक है तो ऑप्शन डी आना चाहिए बेटा, बाकी किसी का आया? हाँ सर, ठीक है ठीक है, सिंपल है बेटा, यहाँ पे आपको ln p इन्फिनिटी दिया हुआ था 225 बाई 225 माइनस पी टी इज इक्वल टू के है बेटा 1/20 ln 3, अभी निकाले थे, टाइम है 40 मिनट्स, तो ये 20 से 2 हो गया, तो दिस बिकम्स 9, ठीक है, तो ln 225 इज इक्वल टू को सॉल्व कीजिए बेटा, आ जाना चाहिए जैसा आप लोग बता रहे हैं, अगर सब कुछ सही है तो कितना बताए बेटा आप लोग? 200 सर, यही 200. आ रहा था ना 200, ठीक है चलिए सर ऑप्शन भी देख सकते हैं। हाँ बेटा सर ऑप्शन 300 दिया हुआ दूसरा वाला, तो कभी ऑप्शन ऑप्शन क्या बेटा सर, एक ऑप्शन सी वाला तो 300 दिया हुआ, तो कभी होगा ही नहीं, मैक्सिमम 225। हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट बेटा, मतलब अगर आप हम लोग के निकाल लिए थे तो ये निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं था, इसी से हो जाता, परफेक्ट बेटा सही है ये ऑब्जर्व बेटा, इस तरीके से कीजिएगा तो टाइम काफ़ी बचेगा, बढ़िया बेटा ठीक है चलिए, बोले थे पेपर दे जाने को, चलिए ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा समझिए, कोई भी बेटा आपको बता देते हैं
प्रेशर का क्वेश्चन होगा तो आपको लिखना है एल एन पी इन्फिनिटी माइनस पी इनिशियल बाई पी इन्फिनिटी माइनस पी टाइम इज इक्वल टू के टी। अब आप बोलेंगे सर पिछली बार में तो खाली पी इन्फिनिटी लिखे थे। बेटा पिछली बार में पी इन्फिनिटी नहीं लिखे थे, पिछली बार में भी यही लिखे थे, बट सिंपली वहाँ पे क्या था कि आपका ए जो था वो सॉलिड था, तो क्योंकि ए सॉलिड था तो इसका इनिशियल प्रेशर जीरो माना जाएगा। ठीक है, अगर आप ए को गैसियस लेके करेंगे तो फिर बेटा ये आने वाला है बेटा, ठीक है, फिर आपका ये आएगा। चलिए प्रेशर का बेटा जब भी आए कुछ अगर डेरिवेशन फॉलो किए तो अच्छी बात है, उससे सिंपल भी डेरिवेशन अगर हो पाए तो मैं देखूंगा, बट ये वाला आप याद रखिएगा इन्फिनिटी माइनस इनिशियल इन्फिनिटी माइनस टाइम। और पहले ही बता दिए बेटा प्रेशर इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ए इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन या मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए तो ये एक प्रेशर वाला बेटा बन जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं, प्रेशर का ही देखेंगे तो होपफुली आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया मालूम चलेगा। हाँ अभी समझ में आएगा, पता चला कि नहीं चला आप लोग को। चलिए नंबर E3 बनाइए, ये बेटा स्टार मार्क है, मतलब मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है इसका, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है।
अरे बेटा इतने देर से आवाज नहीं आ रही, मैं इतना लिखा दिया बोल दिया, आप लोग कुछ तो बोलिएगा। चलिए यहाँ देखिए बेटा, रोनित बेटा आपका ए एंड बी सही है, ठीक है, बट ध्यान रखिए बेटा आप सी एंड डी मेरे हिसाब से सही है बेटा, मतलब इसका आंसर होगा ए बी सी एंड डी, मोस्ट प्रोबेबली सी एंड डी इज ऑल्सो करेक्ट। बेटा इसमें ए और बी में बेटा किसी को डाउट है बेटा, इसमें बेटा प्लेस करना है, यहाँ से के निकलेगा, इफ आई ने नो के, मेरे पास टी हाफ का फॉर्मूला पता है, एल एन टी हाफ इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू एल एन टू बाई के, यहाँ लगाइए आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा सी एंड डी इज ऑल्सो करेक्ट मोस्ट प्रोबेबली, देखो सी एंड डी को सॉल्व कैसे करेंगे, लंबा कोई तरीका नहीं लगाएंगे, समझिए बात को ध्यान से सुनेंगे बेटा, टी हाफ मेरा कितना है बेटा, टी हाफ है मेरा 10 मिनट। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ हर 10 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, हर 10 मिनट के बाद चीजें 50% हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो मेरा बेटा ए इनिशियल कितना था, ए इनिशियल मेरा बेटा 400 मिलीमीटर था ना, तो बेटा आफ्टर 1 टी हाफ मतलब आफ्टर 10 मिनट ये कितना बचेगा बेटा, ए ए प्रेशर ऑफ ए कितना बचेगा 20 मिलीमीटर, आफ्टर अनदर 10 मिनट बेटा ये कितना बचेगा प्रेशर ऑफ ए 5 मिलीमीटर। अच्छा ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, ये 200 है, सॉरी हंड्रेड मिलीमीटर, ठीक है, आफ्टर वन मोर 10 मिनट्स हाउ मच ऑफ प्रेशर विल बी लेफ्ट 50 मिलीमीटर, यही बचेगा। तो अब मुझे ये बताइए बेटा कि आफ्टर 30 मिनट्स मैं लिख सकता हूँ, आफ्टर 30 मिनट्स प्रेशर ऑफ ए इज 50 मिलीमीटर, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था 400 से, उसके बाद कितना है 50 बचा है, तो ए गिव्स 2b + c, ये बेटा इनिशियली कितना है 400 है, ये जीरो है ये जीरो है, चेंज का मुझे पता नहीं, फाइनल मुझे पता है कि आफ्टर 30 मिनट दिस विल बी 50 मिलीमीटर, तो अब मुझे ये बताइए कि अगर ये 50 मिलीमीटर बचा हुआ रह गया तो सी कितना कंज्यूम हुआ, सी कंज्यूम हुआ है -350, अगर C कंज्यूम हुआ है -350 तो ये हो जाएगा 350 × 2 और ये हो जाएगा 350, सो दिस विल बी 700 एंड दिस विल बी 350, देखो तो क्या आया, P टोटल कितना आ गया बेटा, P टोटल आया 50 + 700 + 350, इसको ऐड करके देखिए बेटा 1100 आया, तो P ऑफ C कितना है बेटा 350 है एंड P टोटल कितना 1100 है, क्वेश्चन क्या बोला था बेटा, क्वेश्चन बोला था पार्शियल प्रेशर ऑफ C एट 30 मिनट इज 350, सो दिस इज करेक्ट, टोटल प्रेशर आफ्टर 30 मिनट इज 1100, दिस इज आल्सो करेक्ट, तो इसका आंसर है A B C एंड D, A B C एंड D, इसी को कॉपी करना है या सब कर चुके कॉपी बेटा, चलिए ठीक है। चलिए बेटा कम से कम ये बता दीजिए बेटा, ये सिंपल है फॉर्मूला पुटिंग है बेटा, इसको ट्राई कीजिए,
प्रेरणा बेटा बताएंगे इसका आंसर बेटा। यही फॉर्मूला इसमें भी यूज करना है बेटा, एल एन पी इंफिनिटी माइनस पी इनिशियल बाय पी इंफिनिटी माइनस पी टू एट टाइम टी इज इक्वल टू के टी। इसी में बेटा इन सबको प्लेस कीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा। सबसे पहले पी इंफिनिटी पता कीजिए कि इंफिनिटी में प्रेशर कितना आएगा। सर सी है क्या आंसर? ठीक लग रहा है बेटा, सी ही होगा। सही है बेटा, आंसर सी है। बेटा देखो पी इंफिनिटी माइनस पी इनिशियल निकालना है ना, बाय पी इंफिनिटी माइनस पी टाइम। तो ए गेस बी गेसियस प्लस सी गेसियस प्लस डी गेसियस। ए गेसियस बेटा इनिशियल इसका है पी आई, बोल ही रखा है इसका पी आई, इसका जीरो इसका जीरो इसका जीरो। अगर इन्फिनिटी का निकालना है तो बेटा इसको माइनस पी आई, इसको प्लस पी आई प्लस पी आई प्लस पी आई। तो जीरो पी आई एंड पी आई। सो पी इन्फिनिटी इज नथिंग बट थ्री पी आई। तो बेटा यहाँ थ्री पी आई आएगा और ये पी आई पहले से दिया हुआ है, तो ऊपर क्या बचेगा? टू पी आई बचेगा। नाउ टू पी आई बेटा एक ही ऑप्शन है ये वाला, बट हम लोग पी इन्फिनिटी माइनस पी टी भी कर सकते हैं, उससे भी हम लोग को मालूम चल जाएगा। तो पी इन्फिनिटी मालूम है, पी आई मालूम है, अब पी एट टाइम पी इन्फिनिटी माइनस पी टाइम करते हैं तो आपका काम बन गया। तो एल एन पी इन्फिनिटी इज थ्री पी आई माइनस पी आई बाय थ्री पी आई माइनस पी टी इज इक्वल टू के टी। तो ये हो गया एल एन टू पी आई बाई थ्री पी आई माइनस पी टी इज इक्वल टू के टी। ये वाला फॉर्मूला बेटा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल होगा। ये वाला फॉर्मूला बेटा हर इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ इक्वेशन एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। ये वाला जो है सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल होगा जहां पे इस तरीके से इक्वेशन लिखा होगा। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं थोड़ा डेटा को सही से लिख देता हूँ। समझे क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोल रहा है अमोनिया को हम लोगों ने एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हीट किया तो बना N2 प्लस 3H2। ठीक है, क्वेश्चन का कहना ये, क्वेश्चन कह रहा है ये जो इक्वेशन है या रिएक्शन है उसमें मैंने अमोनिया का इनिशियल प्रेशर फर्स्ट टाइम रिएक्शन वन में या एक्सपेरिमेंट वन में या डे वन पहले दिन एक्सपेरिमेंट किए, प्रेशर ये लिए। तो जब पहले दिन एक्सपेरिमेंट किया प्रेशर ये था तो हाफ लाइफ आया 290 मिनट्स।
सॉरी 290 सेकेंड्स। बट अगले दिन मैंने इनिशियल प्रेशर को 105 रखा तो मुझे नहीं पता हाफ लाइफ कितना आया है, मुझे पता करना है कि हाफ लाइफ कितना आया। अगले दिन मैंने प्रेशर वाई रखा तो हाफ लाइफ 670 आया, और उसके अगले दिन मैंने इनिशियल प्रेशर को 185 रखा तो हाफ लाइफ 820 आया। मतलब अपने को ये वाला अभी दोनों इग्नोर करना है, ये दोनों इग्नोर कीजिए। डे वन में इतना रखने पे हाफ लाइफ ये है, डे टू में इतना रखने पे हाफ लाइफ ये है। मुझे ये बताइए दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और नॉट। बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं है? है सर। बहुत बढ़िया बेटा। बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे है बेटा, जरा बताएंगे? सॉरी सर नहीं दिया हुआ है। नहीं बेटा नहीं दिया हुआ है। बेटा हाफ लाइफ फिक्स है या चेंज कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर नहीं, फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, नहीं है। यहाँ से ये तो क्लियर हो गया ना। देखो बेटा इनिशियल प्रेशर 65 रखे तो हाफ लाइफ ये आया, आप इनिशियल प्रेशर चेंज किया तो हाफ लाइफ चेंज कर गया। मतलब हाफ लाइफ अगर चेंज कर जाए तो फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है। याद रखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1 - n। याद है कुछ? ये एक बताए थे ना बेटा हाफ लाइफ का एक जनरल नोटिफिकेशन याद रखने के लिए कराए थे बेटा। हाँ सर। हाँ बेटा याद रखना है हम लोगों को कि जीरो ऑर्डर, देखो बेटा जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, तो ए का पावर 0 ए का पावर 1, एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। मीन्स इफ माय अपॉन इंक्रीजिंग ए हाफ लाइफ इज इंक्रीजिंग, तो टी जो आप अगर ए को इंक्रीज करने पे हाफ लाइफ इंक्रीज किया तो जीरो ऑर्डर, ए को चेंज करने पे कुछ नहीं हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर, और ए को बढ़ाने पे अगर कम हो जाए तो सेकेंड ऑर्डर। तो बेटा ए और प्रेशर में तो बता रखे कि सेम चीज है। प्रेशर को क्या किया बेटा, प्रेशर को क्या किया? बढ़ाया। तो हाफ लाइफ क्या हुआ? बढ़ गया। बढ़ गया। अब हम लोग को देखना है कि लीनियरली बढ़ा या नहीं बढ़ा है। लीनियरली मतलब अगर ये डबल होना है तो इसको भी डबल होना है, अगर ये ट्रिपल हुआ तो इसको भी ट्रिपल होना है, यही ना मतलब लीनियर, तब होगा ना बेटा, तब तो ए का पावर में 1 आएगा ना। अब देखो तो वही तो है 185/65, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 3 times है, मोर देन 3 है, सॉरी स्लाइटली लेस देन 3 है, तो ये भी स्लाइटली लेस देन 3 ही तो है बेटा, आया ना? ठीक है आप देख लो 185/65 कर लो, ठीक है तो 5 × 13 और ये आएगा बेटा 5 × 3 और 7, 37/13 आया ये वाला, ठीक है प्रेशर का रेशियो, प्रेशर का रेशियो P1/P2। टी हाफ देख लो बेटा 820/290, 82/29। ये इतना बदमाश है कि सारा फ्रैक्शन में बेटा डेसिमल में लेके आएंगे तो लगभग वही आएगा, ठीक है डेसिमल में करके देख लीजिए एग्जैक्टली वही आना चाहिए 37/13। ये आ रहा बेटा आपका 37/13 आ रहा है 2.84, 82/29 ये बेटा आया आपका 2.82। मतलब क्या है कि इसको डबल करने से ये भी डबल होगा, इसको डबल करने से ये भी डबल होगा, समझ में आया? अब बेटा अब ये बताइए बेटा एक्स निकाल सकते हैं आप लोग और वाई निकाल सकते हैं? हाँ सर।
ठीक है, x निकालने के लिए दिस बाई दिस विल बी इक्वल टू दिस बाई दिस, समझे? ट्राई कीजिए बेटा, दो क्वेश्चन और बाकी है, उसको करके खत्म करेंगे आज। बना बेटा किसी का? हाँ सर। क्या आ रहा बेटा, कौन सा ऑप्शन? सर ऑप्शन बी। हाँ सर बी आ रहा। ठीक है तो बेटा, दो लोग का आ रहा तो मोस्टली सही है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्रेशर जैसा ही है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एग्जैक्टली प्रेशर जैसा आएगा। देखिए बेटा, फिर से डिराइव करेंगे ना बेटा, तो फिर से लगभग वही चीज, लगभग क्या एग्जैक्टली वही चीज आएगा। यहाँ पे बेटा ये बात ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ N2 से बेटा रेट को मेजर कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ N2 से। तो आप समझिए, आपको यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम ऑफ N2 एट इन्फिनिटी बाय वॉल्यूम ऑफ N2 एट जीरो divided by volume of n2 at infinity minus
वॉल्यूम एट टाइम टी इज इक्वल टू के टी, बस फिर से वही करना है बेटा। वहां प्रेशर एन टू था बेटा, सेम क्वेश्चन को प्रेशर एन टू से कर सकते थे। अगर एन टू का प्रेशर बताता तो लिखते एन टू इन्फिनिटी प्रेशर माइनस एन टू इनिशियल प्रेशर। तो सेम चीज तो बेटा अभी सर वॉल्यूम किया है ना एन टू का, तो वॉल्यूम इन्फिनिटी ऑफ एन टू माइनस वॉल्यूम ऑफ एन टू एट जीरो बाय इन्फिनिटी माइनस टाइम टी, एग्जैक्टली सेम काम करना है। इनफैक्ट बेटा और अगर कुछ दे देना तो फिर वो वैल्यू लिख देना है यहाँ पे। तो उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आएगा ln वॉल्यूम ऑफ n2 एट इन्फिनिटी 70 ml, वॉल्यूम ऑफ n2 एट 20 मिनट इज 40 ml, बस हो गया। तो ln v infinity 70 माइनस 0 बेटा, v n2 एट t इज इक्वल टू 0 इज 0, इनिशियली n2 का कोई वॉल्यूम नहीं इवॉल्व हुआ है, डिवाइडेड बाय 70 माइनस 40 इज इक्वल टू के टी। टाइम तो दे ही दिया है 20 मिनट्स, तो ln 7 बाय 3 इज इक्वल टू 20 k, इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 1 बाय 20 ln 7 बाय 3। अब देखो ये लोग log लिए हैं, हम लोग ln लिए हैं, तो log ln में बेटा थोड़ा तो अंतर आएगा ही आएगा ना, तो वो देख लीजिए उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। हाँ बेटा सर, इसमें n2 खाली गैसेस में इसी ना खाली उसी का वॉल्यूम लिए, अगर H2O भी हम लोग का गैसेस में रहता तब फिर उसका भी वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ता बेटा। देखिए और प्रेशर जो होता है ना बेटा, वो सारे गैस का मिक्स करके टोटल प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो बाय ऑब्जर्विंग द टोटल प्रेशर आई कैन ऑब्जर्व द रेट ऑफ रिएक्शन, बट इफ आई एम ऑब्जर्विंग द वॉल्यूम देन आई नीड टू फोकस अपॉन द वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट, समझे। अच्छा। अगर आप वॉल्यूम से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा तो एक कंपोनेंट को आपको फोकस करना होगा सर। तो अगर H2O हम लोग का मान लीजिए, सुनिए, अगर H2O का वॉल्यूम आ गया ना बेटा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, तो भी आंसर यही लिखना, मतलब हाँ फिर H2O का लेके करना है, ठीक है। फिर वहां पे लेना है कि नहीं लेना, क्या बेटा H2O का वॉल्यूम कंसीडर नहीं ना करना, मतलब अगर गैस रहेगा तो करेंगे ना बेटा, वही करना है तो। नहीं नहीं बेटा, यहाँ तो N2 का जो वॉल्यूम है बेटा N2 गैस में है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में है ही कि आपको N2 का वॉल्यूम ऑब्जर्व किया गया है, द रिएक्शन इज बीइंग ऑब्जर्व बाय फोकसिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ N2 इवॉल्व, ठीक है। अगर आपका मान लेते वाटर वेपर में होता और आपको डेटा में बेटा नाइट्रोजन और वाटर दोनों दे देता तो दोनों को ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, ठीक है सर। अगर दोनों गैस में होगा तो हो सकता था बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और तब भी अगर सर खाली N2 का दे तो खाली N2 का लेते हम लोग सर। बेटा आप जो बोले ना, समझिए बात को बेटा, सिर्फ नाइट्रोजन का वॉल्यूम कैसे मालूम चलेगा, मान लीजिए कि गैस ए और गैस बी इवॉल्व हुआ रिएक्शन से, तो सिर्फ आप गैस ए का वॉल्यूम थोड़ी ना मेजर कर पाइएगा, आपको तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व होगा दैट विल बी गैस ए प्लस गैस बी ना बेटा, समझ रहे हो, वो तो मिक्स होकर आपने ऑब्जर्व किया ना बेटा। यहाँ तो नाइट्रोजन गैस था, वाटर लिक्विड था, इसीलिए नाइट्रोजन बाहर आ गया, खाली उसको हम लोग फोकस किए, ठीक है। तो बेटा ये आपका आ रहा है ln 1/20, ठीक है, सॉरी k इज इक्वल टू 1/20 ln 7/3, बट बेटा ध्यान रहे ये मिनट इनवर्स है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ 20 को मिनट में लिया था, बट हम लोग को जो ऑप्शन दिख रहा है, जो अपने काम का दिख रहा है बेटा, वो मुझे ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये वाला दिख रहा है, बट ये वाला सेकेंड इनवर्स में है, तो मुझे अगर इसको सेकेंड इनवर्स में करना है तो 1/20 into 60
ln 7/3 second inverse होगा, तो ये आ गया 1/1200 ln 7/3 second inverse, तो इसका ऑप्शन बी आएगा बेटा, ठीक है। बेटा कोई भी चीज होगा आपको यही वाला यूज करना है, इन्फिनिटी माइनस जीरो, इन्फिनिटी माइनस टाइम, ठीक है। इन्फिनिटी माइनस जीरो, इन्फिनिटी माइनस टाइम, जब भी कोई भी इक्वेशन आ जाए अब आपको यही यूज करना है, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, और कोई किसी का डाउट है बेटा इस चैप्टर से? किसी का डाउट बेटा? बेटा इसका मॉड्यूल सॉल्व कर लीजिए, केमिकल काइनेटिक्स बेटा आसान चैप्टर है, ठीक है, इससे आसानी से हो जाता है। चलिए सुन लीजिए बेटा थोड़ा बात और, मॉड्यूल का बेटा मैं सारा क्वेश्चन इसका सॉल्व करा दूंगा एक्सरसाइज 2, ठीक है। मॉड्यूल का इसका एक्सरसाइज 2 का मैं सारा सॉल्व करवा दूंगा, आप लोग घर में देख लीजिए डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से। आप लोग खाली एक चीज और लिख लीजिएगा, अभी एक रोटेशन के क्वेश्चन कराने हैं, रोटेशन वाले क्वेश्चन बेटा आसान है, ठीक है, वो इसमें भी वही होगा, वहाँ होगा इन्फिनिटी माइनस जीरो, इन्फिनिटी माइनस टाइम टी, और कुछ नहीं होना है, एक रोटेशन वाले बाकी है। दूसरा बेटा एक पैरेलल रिएक्शन बाकी है, ठीक है, ये भी करवा देंगे। ये चैप्टर बेटा थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसलिए क्योंकि ये आसान है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा, स्कूल वगैरह बंद हुआ आप लोग का अभी तक? स्कूल बंद हुआ बेटा? नहीं सर, नहीं हुआ है। कल कोई क्लास है आप लोग का इस समय पे? नहीं सर, सैटरडे संडे छुट्टी रहता। नहीं, शनिवार को स्कूल छुट्टी रहता ना पूरा? हाँ ठीक है, कल देखते बेटा, कल एक केमिस्ट्री क्लास रखेंगे, ठीक है, कल क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। आप लोग फ्री रहते हैं ना, किसी भी समय बोल देंगे, एक घंटे पहले तो हो जाएगा ना? हाँ सर। नहीं सर, सुबह स्कूल रहता है सर सैटरडे। अच्छा, सुबह स्कूल रहता है तो सर ठीक है। क्या बेटा? सर इस टाइम में सर ठीक है। ठीक है, देखते बेटा, इस टाइम पे अगर कोई और क्लास नहीं रहा तो फिर बताते हैं, ठीक है बेटा, फिर एक क्लास कर लेंगे, क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है इसका, ठीक है। ठीक है यार, होपफुली बेटा जैसा लग रहा है अगस्त से सब जगह स्कूल कोचिंग खुल जाना चाहिए, अगस्त से सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा, अगर ऐसा चलता रहा तो अगस्त तक सब कुछ खुल जाना चाहिए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। फिर आप लोग का वही है कि अगर अगस्त में खुलता है तो नेक्स्ट ईयर आपका मोस्ट प्रोबेबली जून के आसपास एग्जाम हो जाएगा, मई या जून में एग्जाम होगा, तो अपने पास अभी एम्पल समय है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और जेई मेन देखिए होता है कि नहीं होता है, इस साल जेई मेन में भी ना हो, ठीक है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग बताते हैं बेटा कल ही एकदम, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए ओके बेटा।